राहुल जी, आप अभी यूक्रेन से वापस घर पहुंचे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? वहाँ से आने के बाद मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है। और वहाँ के मैं स्टेट सोमी में रहता था, जी वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब थी। बमबारी और यही सब एयर स्ट्राइक वगैरह हमेशा हुआ करता था, जी तो बहुत जितने भी बच्चे थे सब लोग वहाँ पे बहुत डरे हुए थे। हम लोग भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, ना वहाँ पे कोई सुविधा खाने की ना पीने की। पानी वहाँ पे बम गिरा था, पानी वगैरह प्लांट वगैरह सब ध्वस्त हो गया था। उसमें बहुत बच्चों को वहाँ पे जो बर्फ़ गिरता था वो बर्फ़ पिघला के पानी पीते थे। हम लोग खुद पिए 2 दिन तक। तो किसी तरीके से गवर्नमेंट ने सप्लाई की पानी की, फिर सही हुआ है। और उसके बाद में एक दिन बम हॉस्टल के जस्ट 500 मीटर दूरी पे गिरा था। रात का टाइम था, जितने भी बच्चे विंडो साइड में खड़े थे या बैठे थे कुछ भी कर रहे थे, पूरा उजाला हो गया। रात जैसे लग रहा था दिन हो गया। उस दिन तो बहुत ज़्यादा घबरा गए बच्चे, और एक बच्चे का वहाँ पे डेथ भी हो गया। शायद पता नहीं किस साइड से गोली चली, लेकिन उसके शरीर पे गोली लगा और वो वहीं पे मर गया। तो उस टाइम जितने भी वहाँ पे बच्चे थे उनके फैमिली मेंबर्स जो भी थे बहुत ज़्यादा चिंता में आ गए कि कहीं कुछ ना। तो इसलिए गवर्नमेंट से सब लोग अपील किए जल्द से जल्द लाने की, और गवर्नमेंट ने अपनी जो ऑपरेशन गंगा थी उनके थ्रू हम लोग को सेफ लाया गया घर। तो क्या क्या स्थिति आपको झेलनी पड़ी, कितने दिन भूखे रहे, कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, खाने पीने का सामान तो हम लोग जिस दिन 24 फरवरी को हमला हुआ पहली बार, उस दिन वहाँ पे बोल दिए कि जो भी लाना है ला ले आओ, और हम लोग ले आए वहाँ से। तो ज़्यादा नहीं 7 दिन का सामान ले आए, और वहाँ पे ज़्यादा कुछ था भी नहीं, जितना था ले आए। उसके बाद में हमला और बढ़ गया तो हम लोग के पास सामान बचा नहीं, और वहाँ पे मार्केट वगैरह सब सामान ख़त्म हो गए। तो हम लोग भूखे रहते थे, और जो भी बच्चे ज़्यादा ले आए थे उनके पास ज़्यादा था तो उन्हीं से शेयर कर लेते, ब्रेड वगैरह चिप्स चॉकलेट ये सब ही ज़्यादातर खाते थे। दाल चावल ये सब रहता नहीं था, तो स्थिति तो बहुत झेले 14-15 दिन तक। तो हॉस्टल से कैसे निकले, कितने तारीख को निकले हैं, कुछ बताना चाहेंगे? हॉस्टल से मोदी ने वहाँ जेलेंस्की से रूस के राष्ट्र यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात किया जेलेंस्की से कि हमारे जो भारतीय छात्र फंसे उनको निकाला जाए। प्लस पुतिन से राष्ट्रपति जो हैं यहाँ रशिया के उनसे बात किया कि भारतीय बच्चों को किसी ना किसी तरह निकाला जाए। तो फिर बातचीत करके मोदी जी ने अपना इस मंत्री को भेज के, हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ पे भेज के, वहाँ पे जो मंत्री थी उनसे बात करके सब कुछ पुलिस वगैरह सबसे मिलिट्री वालों से बात करके किसी तरह हम लोग को निकाला गया। तो कुछ आपका अपने खर्चे से भी आए कि सारा गवर्नमेंट ने वहन किया? गवर्नमेंट ने हम लोग वहाँ हॉस्टल से लेकर और यहाँ घर तक पूरा खर्चा गवर्नमेंट दी है, खाना पानी सब कोई। जब से गवर्नमेंट के अंडर में आ गए जब से कोई दिक्कत नहीं हुई है। भारत सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? भारत सरकार को अपने जनपद के प्रशासन से, भारत सरकार को नहीं, भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई। हम लोग को यहाँ घर तक सुरक्षित लाया गया, तो बहुत बड़ा ऑपरेशन चालू किया था उसके थ्रू हम लोग आगे, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मोदी जी का, भारत सरकार जितने भी जनपद के DM SDM जितने भी हैं सबका मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। तो भारत सरकार को भी हार्दिक शुभकामनाएँ हम लोग को लाने के लिए।